पता नहीं कैसा बाथरूम है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, नहाने तक का पानी नहीं, वो कैसा बाथरूम? ना ढंग का सोप, ना ढंग का शैम्पू, ना ढंग का फेस वॉश, बस बाथरूम में जाओ, एक मग पानी उल्टो और आ जाओ। और तो और, यहां तो प्राइवेसी तक नहीं, मजबूरी में वही कपड़े बदलो तो गीले हो जाते हैं। हाँ बेटा, तेरी बात सही है, और ये भी 100% सही है कि इस घर में पानी ही एक सबसे बड़ी समस्या है। 6 से 8 करके दिन में बस 2 बार पानी आता है और हमें भंडार करके रखना पड़ता है। वैसे ये बात तो तुम्हें तुम्हारी राशि भाभी ने बता दी होगी ना? मुझे याद नहीं। खैर जवा दे, तुम तो ये बताओ कि अपने सासरे में पहले दिवस के लिए तैयार हो ना? अरे हाँ, हूँ तो तने एक बात केवानु भूलीज गई। आज सवारे सवारे तुम्हारी माँ से मेरी बात हुई, उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा और उन्हें ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि तुम दिन चढ़े तक सो रही थी। मैंने तो उन्हें बता दिया कि बिचारी की अभी शादी हुई है, पहला दिवस है, थक गई होगी बेचारी। सारू ना, चलो तुम तैयारी हो गई हो तो मैं सोचती हूँ कि रसोड़े की रसम आज ही कर डाले। रसोड़े की रसम? हाँ, तुम्हारी माँ को भी मैंने बोल दिया था कि रसोड़े की रसम करने का विचार मेरा आज ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण रसम होती है, जहाँ बहू अपने सासरे में पहली बार कुछ रांधती है। हमारे जमाने में तो कंसार हुआ करता था, और अब शीरा। अब वैसे भी शीरा बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। चल जल्दी से आजा। शीरा, माय फुट। ये है रवा, बादाम, इलायची, किशमिश और ये शक्कर। और हाँ, आज सिर्फ सीरे में नहीं पर हर समय खाना बनाने के लिए पीने के पानी का ही प्रयोग करना। रुक, मैं ले आती हूँ। हाय हाय, इसमें तो पानी ही नहीं है, और अब तो फिल्टर भी नहीं चलेगा क्योंकि पानी तो सवारे आने सांझे 6 से 8 के बीच में ही आता है। मैंने तुझे बताया था ना? ठीक है, तो फिर मैं शीरा नहीं बनाती। अरे नाना, ऐसा नहीं बोलते, ये तो शगुन है कि सासरे में पहली बार बहू रसोड़े में शीरा बनाती है। हाँ, तो एक काम कर, बाहर म्यूनिसिपालिटी के नल से पानी भर के ले आ, हम उबाल लेंगे, अभी तक काम चल जाएगा। हाँ, ये लो। क्या देख रही है? जाना। मैं जाकर म्यूनिसिपैलिटी के नल से पानी लेकर आऊं? अब क्या करे, और किया भी क्या जा सकता है। अरे हाँ, जब ये तेरा सीरा बन जाए ना तो एक बार अपनी माँ से फोन पर बात जरूर कर लेना, बेचारी तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रही होगी। जाओ ना।
टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेंगे, पानी बहुत धीमे धीमे आता है ना, इसीलिए। चलो राशि को फोन करके तो हालचाल बताओ। ये क्या ले आया? अरे रुक तो धवल, ये क्या है? फई, वो किंजल जी के लिए। कहाँ है किंजल जी, दिखाई नहीं दे रही। क्या बोला, क्या बोला? किंजल जी? जी। अरे पत्नी है तेरी, धनियाणी, ये जी जी क्या लगा रखा है? अरे हक से उसका नाम ले, किंजल। नहीं नहीं फई, मैं उनसे ऐसे बात नहीं कर सकता। हा? वैसे जाने दीजिए ना, वो उनके और मेरे बीच की बात है, आप नहीं समझेंगी। कहाँ है किंजल जी? बाहर नल से पानी भरने गई है तेरी किंजल जी। बाहर नल से पानी भरने गई है? हाँ। और आपने जाने दिया? हाँ। फई क्या करते हो आप भी। अरे रुक, तुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो आ जाएगी तो मैं तुझे बता दूंगी, तू जाकर फ्रेश हो जा। अरे बाहर मोड़ू शू चुए छे, जाने। अरे जाने। हाँ फिर जा रहा। हाँ बेटा बोल। मम्मी बताइए, घर में क्या हो रहा है और आपकी लाडली बहू क्या कर रही है? म्यूनिसिपालिटी के नल से पानी भरने गई है। मम्मी दैट्स ग्रेट, मजा आ गया। अच्छा है, अगर यहाँ कागड़ी के वजह से मैं रसोड़े में सिक रही हूँ ना, तो उस रईस दादी को भी जरा धूप में झुलसने दो। अरे तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। लगता है आज लोग कम ही होंगे। नहीं, वहां बहुत लंबी लाइन थी और मैं खड़े खड़े बोर हो गई थी। धूप भी कितनी थी और वो बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैं लौट आई। मम्मी, मम्मी।